सा एक ब्लॉग है, मैं पालघर जा रहा था तो बस पालघर का व्यू है एक। और जो पालघर में जो मंत्रालय बन रहा है अभी उसका काम 75% कंप्लीट हो गया है। अभी बस ओवर ब्रिज जो बनना है उसका काम पेंडिंग में है, बस छोटा मोटा काम चल रहा था। बस नॉर्मल सा छोटा सा व्यू लिया है, बस वही दिखाऊंगा। बस अब देखिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। अगर आपने वीडियो को देख के अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस सपोर्ट करें। अब भी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरी पूरी फैमिली गई है होम टाउन। आपको पता होना होता होगा, अगर आप भी अगर फैमिली मेंबर में इंक्लूडेड है और आपकी फैमिली बाहर कहीं जा चली गई हो तो पता है आपको कैसा रूम में फील होता है। उसी तरह मैं अकेला अकेला ना बहुत एक तरह से गिल्टी फील कर रहा हूँ कि क्यों जाने के लिए दिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, सब लोग बाहर गए हुए हैं, कोई भी यहाँ नहीं है, सबके सब अभी होम टाउन गए हैं। पूरी फैमिली मेरी अभी घर पे गांव घूमने के लिए गए ठंडी में। और आपका न्यू ईयर कैसा गया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। पूरा सिस्टम यहीं पे बन रहा है, कितना स्मार्ट है ना, कितना अच्छा लोकेशन लिया गया है ना, क्या एक विला की तरह इसे पूरा डिजाइन किया गया है, पूरा विला की तरह। इसमें बहुत कुछ आने वाले हैं, चाहे पासपोर्ट ऑफिस केंद्र हो, चाहे जेल हो, मंत्रालय का पूरा सिस्टम इसी जगह पे आने वाला है। ठीक है, और ऐसा तो पूरे ज़िले में कहीं पे भी नहीं है जैसा इसे बनाया जा रहा है। एक महल की तरह इसे डिजाइन किया गया है कि लोग जो इसे इसमें काम कराने कम और विला को देखने ज़्यादा ही आएंगे। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, नज़दीक से दिखाता हूँ। थोड़ा तो नज़दीक आने के बाद कभी भी देखिए, और बहुत बड़े में बन रहा है, छोटे मोटे में नहीं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े में बनाया जा रहा है, फिर उसमें बाहर का सीन अभी अंदर का अलाउड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, खुद को परमिशन है कि नहीं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लंबे चौड़े में से बनाया जा रहा है। पालघर में मंत्रालय, अभी ये मुझे भी पता नहीं कि मंत्रालय है क्या है, क्या क्या यहाँ आने वाला, लेकिन सभी के मुझे सिर्फ मंत्रालय ही सुन रहा हूँ, इसलिए मंत्रालय मैं भी बोल रहा हूँ। सो व्यू देखिए कितना खतरनाक है। उस तरफ मेन गेट है, वो साइड में, तो उस साइड में मेन गेट को देखते हैं। ठीक है, वो मेन गेट के देखेंगे ना तो मालूम पड़ेगा क्या है नहीं है। ठीक है, बहुत खतरनाक है, बहुत एक पूरे बोलते हैं ना, पूरे महाराष्ट्र में इस जैसा विला या इस तरह गवर्नमेंट हाउस नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी ज़िले में भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बन रहा है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। भाई पालघर वासियों को एक अच्छा खासा चीज़ मिल रहा है पालघर में। और आज CAA का यहाँ पे रैली भी था, रैली तो शांतिपूर्ण हो गया, समर्थन रैली था इसलिए शांतिपूर्ण हो गया। तो बस अभी मैं मेन गेट का सीन दिखाता हूँ आपको। ये है मेन गेट का व्यू, ये क्या खतरनाक लग रहा है। आप पालघर आइए एक बार देखिए, मैं बोलता हूँ ना आप देखेंगे तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इसे देख के, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल बनाई है ना, ऐसा लगता है कहीं का पैलेस है। नहीं, ये पैलेस है नहीं कुछ है, ये तो गवर्नमेंट का पूरा मंत्रालय सिस्टम यहाँ पर आ रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन ये बन के पूरी तरह रेडी हो जाएगा ना, लोग इसे देखने के लिए, स्पेशलिस्ट यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए इसे आएंगे लोग। फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। ये है बोईसर पालघर रोड। अब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े में है, मैं पूरे कैमरे में कैच नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग, देखिए चारों तरफ से बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। इतना सुंदर है कि लोग इसे देखने के बाद ना यहाँ अपना काम कराने कम और इस विला को देखने के लिए ज़्यादा आएंगे, इस विला को देखने के लिए ज़्यादा आएंगे लोग। सो मुझे तो बहुत काफ़ी खूबसूरत लगा, और जो भी इसे फर्स्ट टाइम देखेगा ना वो मंत्र मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये विला इसी तरह बना हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो फ्रेंड्स पालघर ज़िले में आइए, और ब्रिज के नीचे अगर आप बोईसर की तरफ से आएंगे ना तो रास्ते में ही आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आप ये साइड से आ रहे हैं तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन बोईसर की तरफ से आएंगे तो उमरौली पार करेंगे और सामने दिखाई देगा ये विला। चलिए ठीक है, बस बस इतना ही आज के लिए, मैं कुछ आगे का व्यू दिखाता हूँ।
पे क्या व्यू है, प्लस सबसे अच्छा क्या लगता है, जो ये पेड़ है ना, जिस हिसाब से पेड़ का डिजाइन है ना कटआउट, वो सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, बहुत शांतिपूर्ण है इलाका है पूरा, ये देखने में आपको फुल मज़ा आएगा। आगरा रोड पे कई चीज़ देखने लायक, ऐसे सेम देखने लायक एरिया ना वानगांव रोड पे भी है। ठीक है, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ थोड़ा व्यू रोड का, तो आप इन्जॉय करें। के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अनदर वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिल से, और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा छोटा सा और थोड़ा कुछ मैंने पार्ट्स को कट कर दिया किस प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में।